मेरठ क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर दर्जन लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी इस गिरोह का मात्र एक प्यादा है, जिसे गैंग लीडर ने वेतन पर रखा था। एसओजी टीम सर्विलांस साइबर और सदर जिला थाने के द्वारा एक गंभीर गिरफ्तार किया गया है, जो भोले भाले लोगों को टारगेट करता था और एटीएम में घुस के उनको एटीएम कार्ड चलाने में अगर दिक्कत है तो उसके सहयोग के नाम पर उनका एटीएम बदल देता था और उसके आधार पर वो जगह जगह जाके शॉपिंग करता था, फिर काम करता था। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है अमित, और आज जो गिरफ्तार किया गया है अश्विनी को वो 10,000 रुपये देता था और रोज लोग निकल जाते थे काम करने के लिए। एक तरीके से ये इसको अपने यहाँ काम कर रख के उस तर्ज पे इससे काम लेता था, इसकी गाड़ी भी लेके जाता था। 2014 में यह ऑलरेडी नौचंदी थाने से वांटेड चल रहा है अमित, और अमित अलग अलग साथियों के साथ मिलकर काम करता है। सर, मेरठ में वारदात होती थी या शहर के नहीं? ये इस जोन में, मेरठ जोन, बरेली जोन और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं इनके द्वारा कार्य की गई है। कल परसों 3 दिन में इनके द्वारा जो पता चला है कि 1 लाख से ऊपर की खरीदारी लगातार इनके द्वारा की गई, खरीदे हुए LCD बरामद हुई है, 3 ATM मिले हुए हैं, 3 ATM के जो नाम आए हैं उनसे के बारे में पता किया जा रहा है, कनेक्ट किया जाएगा। और इसके द्वारा और क्या क्या घटनाएं की गई है इसके द्वारा अभी इनके PCR को लेकर पूछताछ किया जाएगा और अमित की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी किया जाएगा। ये दोनों अभियुक्त मुजफ्फरनगर चरथावल थाने के रहने वाले हैं। ये भी पता चला है कि इनके और कुछ सहयोगी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है।